सो गाइस, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। उठते ही मैंने पी लिया चाय, क्योंकि नोज की बैंड बजी हुई है। गला ठीक है बट नोज एलर्जी हो चुकी है, तो पूरी रात बस मैं यही करती रही सब जाम पड़ा है। तो अब ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या बना है, ब्रेकफास्ट करेंगे एंड फिर देखते हैं कि आज क्या करेंगे। आज मैं सोच रही हूँ कि बड़ी मौसी के घर चले जाएं, क्योंकि हम एक बार भी उनको देखने नहीं गए हैं। तो अगर स्ट्रीट मॉम फ्री होंगी तो क्लास से पहले पहले हम लोग उनके पास 2-3 घंटे बैठ के आएंगे। मम्मी चले आज मौसी के घर, है ना यार? बहुत पतली लग रहे हो आप तो। तुझे अभी आप इस गाउन में आए हो ना, इतने सच में इतने पतले लग रहे हो, नजर आ रही हो। सुनो, अब गुड मॉर्निंग होगी इनकी। हाँ। पक्का गुड मॉर्निंग अब होगी। कितने बजे? 2 बजे बोले। फिर चलते हैं मौसी के घर और कुछ ले चलते हैं खाने पीने का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं उठ चुकी हूँ और नहा भी चुकी हूँ और अब मैंने बनाई है आज। और फ्रेंड्स, आज है मेरा फास्ट अष्टमी का, तो मैं तो सुबह मैंने एप्पल लिया है और मैं सोचा फ्रूट पे रहूँ, क्योंकि 3-4 दिन इतनी डाइट खराब हो चुकी है कि बस वजन बढ़ चुका है और चंचल जी का मूड ऑफ हो चुका है मेरा वजन देख के। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है बाकी लोगों के लिए। ये बना दी है मूंग की दाल, क्योंकि घर में कोई भी सब्जी नहीं है फंक्शंस में डेली जाने के चक्कर में। और ये बॉईल कर दिया आलू और ये बना रही हूँ मैं रोटियाँ। सो गाइस, जो प्रीति जी नोएडा वाली, उन्होंने स्वीट मॉम के लिए कुछ भिजवाया तो वी फास्ट से आया, तो चलिए चलते हैं और कलेक्ट करते हैं नीचे से। ठंड में नंगे पैर और ये चंचल दी की साइकिल जो भावेश जी लेके आए हैं, ये है? ठीक है सर, थैंक यू। सो गाइस, ये आया है सामान और ये भावेश जी पता नहीं साइकिल चला रहे हैं नहीं चला रहे। मैंने कहा तूने यहाँ खड़ी कर दी, चोरी हो जाएगी। कह रहे कोई बात नहीं, चंचल दी को नहीं दे देंगे। चलो स्वीट मॉम से खुलवाते हैं। ये लीजिए आपका हैप्पी बर्थडे गिफ्ट। तूने मुझे क्या दिया है? बर्थडे पे सबके गिफ्ट आ गए। चेन। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू सो मच। मेरे गिफ्ट की तो कोई वैल्यू ही नहीं हुई है मुझे लग रहा है। ये तो मुझे लग रहा है सारा ही तेरे लिए, इतनी बड़ी बड़ी चॉकलेट्स है। सच में? जल्दी खोलो, हटाओ हटाओ सब हटाओ। इतनी चॉकलेट खाएगी, शर्म कर ले कुछ। इस बार तो मतलब पता नहीं, बर्थडे मेरा होता चॉकलेट तेरे लिए नहीं। और ये कार्ड भी है ऊपर, पहले ये कार्ड पढ़ो। अच्छा, ये तो एड्रेस है शायद हमारे घर का। ये तो हमारा है। एड्रेस है, बंद कर दो, ये नहीं पढ़ना। मम्मी मैं एक्साइटेड हूँ, जल्दी जल्दी निकालो। ये मेरे लिए शुगर फ्री, ये उन्होंने मुझे बोला था कि शुगर फ्री बिस्किट भेज रही हूँ दीक्षा। ओ यूनिबिक के शुगर फ्री बिस्किट आते हैं, ये इम्पोर्टेड तो नहीं है मम्मी? ओ इम्पोर्टेड है ये, वाओ यार। अरे वाह, ये तो मैं भी खाऊंगी, इम्पोर्टेड है इसलिए। राम कितना बड़ा साइज है चॉकलेट दिखा रहा है, जल्दी दिखाओ। मम्मी ड्रापे मत करो, बहुत पागल हो गई तो चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। अब हमेशा मेरे लिए। ओ वाह, बड़ी बड़ी चॉकलेट्स भावेश और मेरे लिए, वाह। पूरे को मत दियो मम्मी, बहुत स्लो स्लो खोल रहे हो। मेरे गिफ्ट में तुझे क्या इंटरेस्ट है मुझे ये बता, जल्दी करो। सारे मेरे गिफ्ट हटिया लिए फ्रेंड्स, इसने मेरे परफ्यूम्स ले लिए, मेरे बर्थडे गिफ्ट आया था, मेरी घड़ी ले ली, और क्या आया है मेरे लिए, सब यही। और जो चेन इसने दी है ना, वो भी यही पहनेगी। इसीलिए लेके आई है चेन। नहीं नहीं, ओ वाह, बिना खोले ही वाह। ओ हो, गॉग्स होंगे और क्या है? ये कम है नहीं, आप ऐसे झांक रहे थे। ओए होए मम्मी, मेरे मम्मी अभी मोजो में बॉक्स टूटे हैं, गॉक्स टूट गए। ओ भाई साहब, अब ये भी तू हथिया लियो, पर शुक्र है ये नहीं पहन सकती मैं। हाँ, क्योंकि मैं नंबर वाले पहनती हूँ। नहीं तो ये भी हथिया लेती फ्रेंड्स, ये जल्दी जल्दी खोलो मम्मी। क्या है? मैं आराम आराम से बोलूंगी, गिफ्ट मेरा है। क्लासी गॉक्स चाहिए थे ना आपको?
नियत मार इस पे भी तू। जल्दी खोलो मम्मी, पता नहीं क्या करते हो, जल्दी पहनो। बहुत बहुत सुंदर लग रहा है ना, बस। ओ आपके ऊपर सूट भी कर रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं यार सच्ची। तो मुझे ऐसे ही गॉगल चाहिए थे, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। दिखाना साइड तो यार, कितनी प्यारी है। हाँ मतलब आपके जैसे आपको चाहिए थे ना, बहुत ही सुंदर है, ब्रॉड ब्रॉड। साइज परफेक्ट है, बहुत बड़ा भी नहीं है, सही है। हाँ मम्मी को बस ये था कि बहुत बड़े नहीं चाहिए। थैंक यू प्रीति जी, बहुत। ये खोलो ना जल्दी, क्या है जल्दी, मेरे गिफ्ट में खुद नहीं। अरे ये अनपैक बाद में करना, पहले इसको खोलो। मम्मी बहुत स्लो है गाइस गिफ्ट्स खोलने में। लिपस्टिक लग रही है, ये पर्स लग रहा है मुझे तो। बस बिना खोली गैसिंग मारती रहेंगी स्वीट मॉम। तू बंद, तू आंख बंद कर। पता नहीं इतना स्लो स्लो हाथ क्यों चल रहा है। हाँ वही है जो मैं कह रही हूँ, देखा मैंने पैकिंग से पता लगा लिया क्या है। ये देख, वाओ रेड लिपस्टिक, मेरी शुगर की खत्म भी होने वाली थी मम्मी। थैंक यू, सबसे पहले कॉल जाएगा, बहुत सुंदर है, मेबलिन की है। अब सबसे पहले कॉल जाएगा बड़ी मौसी को। वाओ यार अच्छा लग रहा है, शेड बहुत प्यारा है। शेड लगा के देखना, मेरे फेस पे भी सूट करेगा। लगा के देखना फिर बताना। क्यों, मैं तुझे क्यों दिखाऊं। अरे मम्मी अब ये भी तू हत्या है, जल्दी जल्दी करो मम्मी। अब मेरे बर्थडे की ड्रेस पे मुझे पर्स चाहिए था, देखिए अब आया है। ओहो सैड न्यूज, वाओ तो प्यारा प्रिंट है, क्लच है ना, बहुत जयपुरी प्रिंट लग रहा है। हाँ अब मम्मी कहेंगी तेरी शादी के लिए रख देती हूँ, तेरी सास को दे दूंगी। हाँ मेरी सास के लिए नहीं आया, मेरी माँ के लिए आया है, बुढ़ी को। तेरी माँ जवान है, सास होगी तेरी बुढ़ी होगी मेरी माँ। अच्छा देखा फ्रेंड्स, अभी जो आई भी नहीं है ना सास, देखो उसके लिए कितना प्यार उमड़ रहा है इसको। मम्मी ढंग से दिखा रहे हो नी। थैंक यू, गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छे गिफ्ट्स हैं यार सच्ची, बहुत अच्छे गिफ्ट्स हैं, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। ये बस चॉकलेट गलत आई है, ये मन मेरा डोले, बर्थडे मेरा। मम्मी ने मुझे बोला कि दीक्षा आप गोपाल जी को चॉकलेट्स देना बंद करो, क्योंकि अब चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स भर रही है। पहले हमारे साथ ऐसा होता था कि जैसे हम लोग दूध लाने पे सोचते थे, गोपाल जी को भोग लगाया तो दूध ही दूध भर गया, ड्राई फ्रूट्स इतने भर गए हम। स्टफ बहुत प्यारा है, दिखाना यार, हाथ लगा के देख स्टफ। वाओ यार बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। मुझे ये इम्पोर्टेड ब्रांड क्यों लग रहा है, मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं सच्ची बताऊं तो नॉलेज नहीं है मुझे, इंडियन में लिखा। कोई नहीं, ऐसी नॉलेज होगी, आप लोग ही नॉलेज देते हो हम लोगों को। बहुत थैंक यू सो मच, बहुत प्यारे गिफ्ट है। सबसे पहले मैं उनको मैसेज भेज दूंगी आपके गिफ्ट्स रिसीव हो गए हैं। सो मच प्रीति, थैंक यू, बहुत ही सुंदर गिफ्ट दिया उन्होंने, है ना। गॉग्स भी आपके अब बड़ी मौसी को नहीं तू पहन पाएगी, बड़ी मौसी को फोन करो जल्दी। क्यों करूं, अभी करेंगे, अभी दिखाते हैं, अभी रुक जाओ, मेरी वीडियो बंद होती करेंगे। अभी जा रही हूँ ना मैं, ले जाके ही दिखा दूंगी उसको सामने। सो गाइस जाना था मौसी के घर, बट अभी ताई का फोन आया कि प्रिया को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है। तो ताई का नकुल ने डायरेक्ट ऑटो करा दिया है ऑफिस से ही, तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों को भी शायद डायरेक्ट हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जिसमें गुल्लू पैदा हुई थी। तो लेट्स सी कि हॉस्पिटल जाते हैं या क्या करते हैं, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड कि बस चाहे बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो, बट ये कि सारी चीजें अच्छे से हो जाएं। मैंने बोला था ना मम्मी मौसी को फोन जरूर करेगी, उसने मौसी को फोन करके सारी चीजें बता दी कि आया हुआ था फोन, मुझे ये मिला बहन, मुझे ये मिला। अब चले मौसी के यहाँ, तेरे पापा कह रहे भी 10 मिनट रुक जा मैं आ रहा हूँ। चलो फिर गाइज, अभी भी मेरी नकुल से कॉल पे बात हुई है, तो नकुल ये कह रहे कि अभी टाइम लगेगा, अभी उसको चढ़ रही है ड्रिप, तो उसका एल्कलाइन बढ़ा हुआ था इसलिए डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया। तो उसको बहुत टाइम से डॉक्टर बोल रही थी कि अगर आपका एल्कलाइन बढ़ा ही रहेगा तो हम आपको एडमिट कर लेंगे। तो उसको पेन शुरू नहीं हुए बट उसका एल्कलाइन बढ़ा हुआ है इसलिए डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली रात तक डिलीवरी हो जाएगी। तो लेट्स सी, अभी फिलहाल चलते हैं मौसी से मिलने, एंड जो भी अपडेट्स होंगे फिर हम या तो डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँचेंगे या घर आएंगे, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे।